सब तरफ है हर तरफ है बट वी कैन नॉट सी इट लेकिन हम उसे देख नहीं सकते वी कैन फील द एयर वैन इट ब्लूज हम उसे महसूस कर सकते हैं जब उसमें हवा हवा बढ़ते हैं या हवा फूकते हैं एयर ऑक्यूपाई स्पेस हवा जगह घिरती है एन एम टी कप और अ ग्लास इज नॉट रियली एम टी एक खाली कप या एक गिलास कभी भी वो खाली नहीं रहता सच में वो खाली नहीं रहता इट इज़ फिल्ड विद वाटर ये हवा से भरा रहता है परफॉर्म आ एक्सपेरिमेंट टू सी दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस चलो एक परफॉर्मेंस करते हैं एक्सपेरिमेंट की और देखते हैं कि जो हवा है वो जगह गिरती है स्थान गिरती है टेका बलून एक बलून ले लो बिलो एट विथ योर माउथ और इस इसे भरो अपने मुँह से यू विल नोटिस दैट द बलून बिकम्स बिगर आप नोटिस करेंगे कि जो बलून है वो बड़ा होते जा रहा है दिस शो दैट एयर ऑक्युपाइज स्पेस ये दिखाता है कि जो हवा है वो जगह गिरती है दिस इज एयर हैज़ वेट एयर में जो होती है एयर में क्या होता है भार होता है वेट होता है टाई अ पीस ऑफ स्ट्रिंग टू द मिडल ऑफ अ स्टिक एक स्टिक के बीच में आपको तार के एक छोटे टुकड़े को बांध देना है बिलो टू बलून्स एंड टाई वन टू ईच एंड ऑफ द स्टिक एक भरा हुआ गुब्बारा लेना हवा से भरा हुआ उसे बांध देना है स्टिक के एक एंड पर एक छोर पर और एक एक छोर पर दो बांध देने हैं नाओ ब्रस्ट वन ऑफ द बलून एक बलून को उसमें से ब्रश कर देना है फोड़ देना है द एंड विद द फुल बलून बलून विल कम डाउन एज इट कंटेन मोर वाटर मोर एयर तो देखेंगे आप दूसरी तरफ जो भरा हुआ बलून रखा हुआ है हवा से भरा हुआ बलून रहे है, वो नीचे की तरफ हो जाएगा और इट कंटेन्स मोर वाटर इसमें क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा हवा भरी थी और इसमें वेट था हैंस एयर हैज़ वेट इससे पता चल जाएगा कि एयर में क्या होता है वेट होता है जैसे कि आपको ये ले लेना है इस तरह से यहाँ पर एक बलून एक बलून इधर ले लेना है बीच में तार का टुकड़ा है जो कि बैलेंस का काम करेगा और इसे हम ब्रश्ट कर देंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि ये नीचे हो जाएगा ये नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि इस इसमें हवा थी और जब ने इसको ब्रश्ट किया फोड़ दिया तो इसमें से सारी हवा क्या हो गई निकल गई जब इसमें सारी हवा निकल गई तो इसमें एयर बची तो इस और ये फिर क्या हो जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें एयर है और एयर में वेट है वेट माने भार ठीक है okay, so, हवा की जरूरत होती है जलने में टेक टू कैंडल्स एंड लाइट देम दो कैंडल्स लेनी है और उसे जला देना है कवर वन ऑफ द कैंडल ग्लास और एक को उसे ग्लास से यानी कि जो ग्लास दिख रहा है आपको फिगर में इससे आपको ढक देना है इट विल गो ऑफ आफ्टर अ फ्यू सेकेंड कुछ देर बाद वो बंद हो जाएगा दिस सो दैट एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग ये हमें बताता है कि जलने के लिए हवा की जरूरत होती है एयर प्रेशर एयर जो होती है वो तनाव डालती है यानी दबाव डालती है एग्जर्ट करती है टेक अप प्लास्टिक बोतल एक प्लास्टिक बोतल लेनी है विद अ टाइट फिटेड कवर्ड कप एक टाइट कैप uh, एक कैप लेनी है uh, मतलब एक बोतल लेनी है आपको जो कि फिट होगी एक कैप से उसके कोई भी बोतल लेनी है प्लास्टिक की और सम हॉट वाटर इन इट और कुछ गर्म पानी उसके अंदर उड़ेल देना है आफ्टर अबाउट अ मिनट कुछ मिनट बाद स्क्रू द कैप बैक टाइटली और उसे जो उसका कैप है उसको टाइटली आपको बंद कर देना है कीप द बोतल इन अ बाउल एंड पॉर कोल्ड वाटर एंड आइस ऑन टॉप ऑफ इट और इस बोतल को आपको बाउल में कटोरे में रख देना है और ठंडा पानी उसमें डालना है और उसके टॉप पर यानी कि कैप पर कुछ आइस रख देनी है नाउ कीप द बॉटल इन द बाउल अब बॉटल को बाउल में रख देना है एंड वॉच इट कोलैप्स फ्रॉम ऑल साइड्स और आपको इसे देखना है गिरते हुए जो भी बर्फ है ये जो भी है वो उसे आप गिरते हुए देखेंगे दिस शो दैट एयर एक्जैक्ट प्रेशर ये दिखाता है कि जो एयर है वो एक्सेप्ट करती है प्रेशर को ठीक है सो टूडे क्लास नहीं से टमोरो आई विल सेंड यू सेक्शन फर्स्ट ओरल आंसर एक्सरसाइज ओके थैंक यू नाइस डे